हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद कुमार, आपका मेंटर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एज्योर से रिलेटेड वीडियोस का प्लेलिस्ट, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करें। जैसा कि आप लोग की डिमांड थी पहले कि हमें एक एज्योर का प्लेलिस्ट होना चाहिए, जिसमें कि वो हिंदी में होना चाहिए, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज वीडियो प्लेलिस्ट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसे आप देखिए और एज्योर के बारे में अपने जानकारी को बढ़ाइए। आज जो है ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है, जिसमें कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेशन हमें चुनना चाहिए। सो हाउ टू चूज़ राइट एज्योर सर्टिफिकेशन। होता क्या है कि ऐसे तो माइक्रोसॉफ्ट ने डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रखे हैं, एज्योर रिलेटेड भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप देखेंगे तो यह है, थोड़ा सा क्वाइट कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हम कौन सा सर्टिफिकेशन करें, कौन सा नहीं करें। इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हम ये देखें नेक्स्ट स्लाइड पे कि जो एज्योर रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं, जो पॉपुलर सर्टिफिकेशंस हैं, उसको यहाँ पर तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं फंडामेंटल, एसोसिएट्स एंड एक्सपर्ट। फंडामेंटल्स में अगर हम जाते हैं तो एजियो माइक्रोसॉफ्ट जो है वह तीन तरह का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एक एआई फंडामेंटल AI 900, एक एजियोर फंडामेंटल AZ 900, एंड लास्ट वन एजियोर डेटा फंडामेंटल TP 900। सबसे पहली बात होती है कि ये जितने भी ये 900 सीरीज़ के सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो उनकी एक्सपायरी नहीं होती। आप एक बार इसे कर लेंगे तो इसे बार बार आपको रिन्यू नहीं करना पड़ता। जब हम जाएंगे बारी बारी से इनके प्लेलिस्ट में, तो हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अब ये भी डिपेंड करता है कि आप अपना करियर किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं, ओनली आप चाहते हैं कि हम एजियो रिलेटेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ें, उन्हें डिप्लॉय करें, तो आपके लिए अलग सर्टिफिकेशंस होंगे। लेकिन आप उसमें अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो फिर AI और डेटा फंडामेंटल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद ये जो प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे, इसमें सबसे पहले AZ 900 को कवर करेंगे। इसके बाद एसोसिएट लेवल पे देखिए तो यहाँ पर आपको 7 सर्टिफिकेशंस दिख रहे हैं, जिसमें कि एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, एज्योर डेवलपर, सिक्योरिटी इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट, एंड आफ्टर दैट पावर BI का है, फिर डेटा इंजीनियरिंग है और एज्योर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। होता क्या है कि अगर आप अपना पाथ चूज़ कर रहे हैं तो एक अकेला इंसान तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सब चीज़ करते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। एक करियर पाथ होता है हमारा डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, दूसरा होता है सपोर्ट, तीसरा होता है डेवलपर, चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेटर। आप कौन सा पाथ चूज़ करते हैं? अगर आप अपना करियर पाथ एज ए डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट चूज़ करते हैं, तो इस केस में DP 900 आपको करना पड़ेगा, एजो डेटा फंडामेंटल। उसके बाद आपके पास DP 100, DP 203 एंड DP 300, ये तीन सर्टिफिकेशंस हैं। लेकिन डेटा एनालिस्ट का जब आप शुरू करेंगे, तो हम आगे चल के डेटा एनालिस्ट का भी प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो उसमें जो है आपको Power BI की भी ज़रूरत पड़ती है। तो Power BI ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, उसका भी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है जो PL 300 है। ये सभी डेटा रिलेटेड है। अब आगे हम आते हैं कि अगर एज ए डेवलपर हम काम करते हैं, डेवलपर में आपको AZ 900 के बाद AZ 204, जो सेकेंड सर्टिफिकेशन है AZ 204, ये हमें करना होगा। इसके अलावा आप अगर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की ओर मूव करना चाहते हैं, तो आपके पास एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर AZ 104 है, और ये एड ऑन है सिक्योरिटी इंजीनियर।
तो सिक्योरिटी इंजीनियर अगर आप कर लेते हैं तो आप सिक्योरिटी में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, नहीं तो ये अलग एक करियर पाथ हो जाता है। तो ये सारे एसोसिएट लेवल पे हैं। अब उसके बाद आते हैं एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट में आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं या डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनते हैं तो इस केस में आपको एजी 305 और डेवऑप्स करते हैं तो एजी 400 ये करना होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन को कैटेगराइज किया गया है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम इन सर्टिफिकेशंस को माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे और ज़्यादा कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम पे। सो यहाँ पे मैं क्रोम का एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ। और यहाँ टाइप करता हूँ मैं एज्योर सर्टिफिकेशन, ओनली एज्योर सर्टिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेस, इस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप ये इसके जितने भी लर्निंग पाथ हैं उस लर्निंग पाथ में आप जा सकते हैं। तो इसमें सारा डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के बारे में है। और यहाँ पे ट्राई एज्योर फॉर फ्री, ये अगर फ्री अकाउंट आपको बनाना होगा जो कि आगे मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा इसमें आप ये देखिए एज्योर क्रेडेंशियल्स, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो रोल बेस्ड क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता आईडी पासवर्ड नहीं होता, आप इसको क्लिक कीजिए। आपको ये कंप्लीट सर्टिफिकेशंस दिखेंगे और बाकी इसके अलावा और कुछ लर्निंग पाथ भी हैं। तो इसको जो है फिल्टर आउट करने के लिए अप्लाइड स्किल्स को अनचेक कर दीजिए और केवल सर्टिफिकेशंस में रखिए। इसके बाद एज्योर, एज्योर का सर्टिफिकेशंस हम देख रहे हैं। सो एज्योर के सर्टिफिकेशंस में आप ये देख सकते हैं कि कितने सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं एज्योर के, 15 रिजल्ट्स फॉर द एज्योर। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अब मान लिया जाए, अब ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट रोल है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर का देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट 3 सर्टिफिकेशंस रिकमेंड करता है। एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट ये इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो ये भी देखना होगा कि ये किस लेवल पे है। एज्योर फंडामेंटल एंड एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप स्पेशलिटी, सो ये भी इंटरमीडिएट लेवल पे है। सो अभी जो हमारा बेसिक है वो है एज्योर फंडामेंटल। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम डेवलपर पे जाते हैं तो डेवलपर पे देखिए आपके पास 2 सर्टिफिकेशंस हैं, एक कॉस्मोस डीवी का है सर्टिफिकेशन और दूसरा जो है डेवलपर एसोसिएट एजी 204 का है। तो ये हमारा सेकंड सर्टिफिकेशन होगा जो कि हम सेकंड प्लेलिस्ट में स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस यहाँ आप देख सकते हैं है। तो अब आप अपना जो करियर पाथ जैसे चुनना चाहते हैं, जो भी आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं जिसमें भी, वो आप सेलेक्ट करके वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर किसी भी सर्टिफिकेशन का डिटेल आपको जानना है, जैसे कि मान लिया जाए एडमिनिस्ट्रेटर और इसमें आपको एज्योर फंडामेंटल के बारे में जानना है, तो आप इसको क्लिक कीजिए, इसके बारे में डिटेल आपको मिलेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एजी 900 के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या कॉस्टिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।